अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में कुछ लोग कमेंट किए थे, कुछ लोगों ने, एक भाई ने कमेंट किए थे कि इससे पहले वाले वीडियो में, काफ़ी पहले वीडियो बनाया था तो उसमें टाइमिंग मिलाना दिखाए थे। तो भाई का कमेंट ये था कि नहीं, ये तीसरा वाला जो लूपर है ना वो सुरमे लग रही है, तो उसको सेटिंग कैसे करेंगे आज के वीडियो में वो भी बताएंगे। ठीक है, तो ये प्लेट का बोल्ट मैंने ढीला कर लिया है। ठीक है, ढीला कर बिल्कुल खोल के हटा लिया, दाब भी खोल के हटा लिया है ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, छोटी सी वीडियो बने, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और ये मैं दो धागा का सेटिंग किया हूँ। तो ये पहला तो ये सुई हो गया, दूसरा लूपर ये हो गया, तीसरा लूपर ये है आपका। ठीक है, तो आप इसको कैसे सेटिंग करेंगे, ये तीसरा लूपर है। तीसरा लूपर कहाँ पे आपको सुई में लगेगा, देखिए यहाँ पे लगेगा, इसमें लगेगा, ये सुई में लगेगा। मैं धागा निकाल देता हूँ। ये देखिए तीसरा लूपर है ना, ये सुई को हिला करके इस तरह लगेगा, देखिए यहाँ पे लगेगा आपको सुई, इसमें लगेगा तीसरा। तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ एक छोटा सा बोल्ट रहती है, ये देख लीजिए, ये छोटा सा बोल्ट रहती है, ये छोटा सा बोल्ट इस तरह राउंड करके ये लूपर हुआ, यहाँ से इसका ये लूपर हो गया। तो ये बोल्ट को यहाँ से आपको ढीला कर लेना है। इसका जो बोल्ट का है खोलने वाला है ना, बिल्कुल ये घिस गई है तो ये खुलेगी नहीं। इसको खोलने के लिए काफ़ी इसमें वेल्डिंग मार के गर्म करना पड़ेगा, तभी ये खुल पाएगी, क्योंकि काफ़ी दिन से खुली नहीं है, इसको ज़रूरत भी नहीं पड़ा है, तो ये बिल्कुल जाम पड़ी है। तो यहाँ से आपको ढीला कर लेना है, अच्छा स्क्रू ड्राइवर लेना है जिसका पॉइंट अच्छा रहे, तभी ये खुलेगा और ये खांचा में बैठ जाना चाहिए, उस हिसाब से स्क्रू ड्राइवर। ये देखिए ये बड़ा बोल्ट है, तो बड़ा बोल्ट के लिए स्क्रू ड्राइवर सही है, ये आसानी से खुल जाएगी। ये देखिए खुल गए, इसके लिए इसका स्क्रू ड्राइवर ले लीजिएगा ताकि बिल्कुल खांचा में बैठ जाए और पिछले ना खुल जाए आसानी से। इसको खोल करके थोड़ा ढीला कर लेना है और ये सुई में लगता होगा यहाँ, तो ये ढीला करके ये थोड़ा सा हल्का सा उधर नचा लेना है और टाइट नहीं करना है बोल्ट में, और सुई में यहाँ तक देख लेना है कि ज़्यादा सटे ना, सुई के करीब में लग करके ही, मतलब सुई को ना लगे लेकिन सुई से ही करीब में लग करके धागा जो निकालती है उस हिसाब से सेटिंग करके, और यहाँ का बोल्ट आपको टाइट कर लेना है। ठीक है, ये बोल्ट को टाइट कर लेना है, नहीं तो कभी कभी क्या होती है इसमें लूजिंग रहती है ना, इसके वजह से भी सुई में लगती है। देखिए इसमें है लूजिंग, जब इसमें लूजिंग रहेगा ना तो आप क्या करना है, यहाँ से हल्का सा है ना आपको ठोकना है, यहाँ पे ठोकेंगे ना, अगर ये लूजिंग इसमें है लूजिंग थोड़ा सा, ये देखिए अगर ज़्यादा लूजिंग रहेगी तो आपको सुई में कभी लगेगी कभी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे अच्छा सा एक रड ले लीजिएगा, रड पे लेके इस तरह करके हल्लू हल्लू करके इसको अंदर डाल दीजिएगा, क्योंकि यह है ना फंसाया हुआ रहती है, और इसको निकालने के लिए वो बाजू से ये रड है, वो बाजू इंजन के साइड से बड़ा ऐसा बोल्ट से मारा जाता है, जितना इसका ये गैप है जितना जगह है उतना ही जगह वाला रड चाहिए, तो रड फंसा करके उधर से मारेंगे तो ये निकल जाएगा। लेकिन पहले ये बोल्ट को खोल लेना है, ये बोल्ट को खोल के और यहाँ से इस तरह करके ठोकेंगे तो ये अंदर चली जाएगी, बिल्कुल चिपक जाएगी, और ये ज़्यादा बिल्कुल सटना नहीं चाहिए, ज़्यादा अगर सट जाएगा तो ये जाम पड़ जाएगी, थोड़ा सा हिलना चाहिए। ठीक है, यकीन है कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कोई भी सवाल है कॉमेंट करें। ठीक है, और फिर कोई सवाल है तो बताएं।